वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि मोस्ट स्टूडेंट्स हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, देखिए कंफ्यूज नहीं होना, हमने बिल्कुल ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए कि अगर हमें कोई भी एक्स कॉमा टाउ, हमने कोई भी एक टॉपोलॉजिकल स्पेस ली और ए हम सबसेट लेते हैं एक टॉपोलॉजिकल स्पेस एक्स का, तो सबसे पहले जो टर्म यूज होती है हमारे पास ये होती है, ए हमारे पास क्या है, एक कंपैक्ट सेट है इन एक्स में। एक टर्म ये यूज होगी, ए हमारे पास है कंपैक्ट सेट है इन एक्स में, और एक टर्म ये यूज होगी, ए हमारे पास क्या है, एक कंपैक्ट सबस्पेस है। देखिए इन दोनों का मतलब अलग अलग है। ठीक है, जब हम कह रहे हैं कि जो ए सेट है हमारे पास वो एक कंपैक्ट सेट है इन स्पेस एक्स में, तो इसका क्या मतलब होगा कि हमने क्या लेना है, एक कलेक्शन लेनी है ओपन सेट्स की, और ये जितने भी हमारे पास ये अब ये ओपन सेट्स हैं वो हमने स्पेस में ओपन लेनी है, दैट इज वो टाउ ओपन होंगे। ठीक है, और अगर ए जो सेट है हमारे पास अगर वो इसमें कंटेंड हो रहा है, तो इसके लिए एक फाइनाइट सब कवर होना चाहिए। मतलब कि अगर हम कोई भी एक ओपन कवर लेंगे इस ए सेट का, वो ओपन सेट जो होंगे हमारे पास एक्स में हमने लेने हैं। ठीक है, तो उसका हमारे पास एक फाइनाइट सब कवर आना चाहिए। तो ये मतलब हुआ एक कंपैक्ट सेट होगा इन एक्स में। अब हम बात करते हैं ए इज कंपैक्ट सब स्पेस। देखिए अब वो यूज हो रहा है सब स्पेस था यहाँ पर इन एक्स था, तो ए अगर हमारे पास एक कंपैक्ट सबस्पेस है, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी हमारे पास कि जो ए सेट है हमारे पास, अब हमने उसकी ये एक सबस्पेस टोपोलॉजी कंस्ट्रक्ट करनी है, दैट इज ए कोमा टाउ वाई, हमने उसकी एक सबस्पेस टोपोलॉजी जो है वो कंस्ट्रक्ट करनी है, इज सबस्पेस टोपोलॉजी, ये हमने उसकी एक सबस्पेस टोपोलॉजी कंस्ट्रक्ट की। और जो ये हमारे पास अब ये सबस्पेस टोपोलॉजी है, अगर वो अपने आप में एक कंपैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस कंस्ट्रक्ट करे, तब हम कहेंगे कि जो ए है वो हमारे पास एक कंपैक्ट सबस्पेस है। या आप अल्टरनेटली इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, जो ए है वो हमारे पास अभी एक टाउ वाई कंपैक्ट है, इसको आप टाउ ए ले लीजिए, टाउ ए कंपैक्ट है। ठीक है, इसको हम कहेंगे कि जो ए है वो हमारे पास टाउ कंपैक्ट है, दोनों में ये डिफरेंस है। तो अब कंपैक्ट ये खुद अपने आप में एक कंपैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस बन रही है, तो दैट मींस इसकी हमारे पास अब डेफिनेशन क्या बन जाएगी कि जब हम अब ये स्पेस की लगेगी, अगर स्पेस की लगेगी तो हम इक्वल टू पाएंगे, इट मीन्स अगर पूरी की पूरी ए हमारे पास स्पेस है जो उसको यूनियन में लिखेंगे हम कुछ एच अल्फा। अब जो ये एच अल्फा होंगे हमारे पास वो हमने एक्स में ओपन नहीं लेने हैं, वो हमने इस सबस्पेस टोपोलॉजी में ओपन लेने हैं, दैट इज टाउ ए में ओपन लेंगे हम। ठीक है, अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा, तो हमने ये इसका कोई भी एक ओपन कवर लिया। ठीक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, कोई ना कोई हमारे पास फाइनाइट सब कवर इसका एग्जिस्ट करना चाहिए इस तरह से। तो ये हमारे पास बन जाएगी अब एक कंपैक्ट सब स्पेस। ठीक है, एक स्पेस से ये सब स्पेस हमने कंस्ट्रक्ट की है, और यहाँ पर हमने जो ए सेट था वो हमने लिया था कि वो इन एक्स में कंपैक्ट होगा। ठीक है, ये दोनों की दो जो बातें हैं हमारे पास उनमें डिफरेंस है थोड़ा सा। इन कमिंग हमारे जो लेक्चर्स हैं उनमें हम क्या करने वाले हैं, देखिए सबसे पहले हम कुछ हमारे क्वेश्चंस जो हैं उनका आंसर ढूंढेंगे। क्वेश्चन सबसे पहले क्या है कि अगर x, tau हम एक कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस लेते हैं, अगर हम कह रहे हैं कि a हमारे पास क्या है, एक tau कॉम्पैक्ट है, मतलब हम ये कह रहे हैं कि a हमारे पास एक कॉम्पैक्ट सबसेट है इन एक्स में। ठीक है, ये टर्म की है, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि ए हमारे पास एक
कंपैक्ट सबस्पेस बन रही है, दैट इज ए कोमा टाओ ए जो है वो हमारे पास एक कंपैक्ट सबस्पेस है, फाइन। तो देखिए अब हम इन दोनों के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास कोई सेट है जो एक्स में कंपैक्ट है तो क्या वो अगर हमारे पास हमारी एक खुद की सेपरेट सबस्पेस टोपोलॉजी बनाएगी क्या वो भी हमारे पास कंपैक्ट होगी। कन्वर्सली अगर एक कोई हमारे पास सेट है एक्स का सबसेट है अगर वो एक कंपैक्ट सबस्पेस बन जाता है अपने आप में, एक स्पेस सबस्पेस जो कंस्ट्रक्ट कर रहा है वो एक कंपैक्ट है, तो क्या ए सेट जो है हमारे पास वो पूरी की पूरी स्पेस में भी कंपैक्ट होगा या नहीं होगा। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे और जो सेकंड थिंग होगी हमारे पास वो हम ये देखेंगे कि एक्स कोमा टाओ अगर हम एक कंपैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस लेते हैं, अगर हमें कोई भी कंपैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस देखते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि अगर ए हम कोई भी एक आर्बिट्री सबसेट ले लेते हैं एक्स में, ए हमने कोई भी एक आर्बिट्री सबसेट लिया एक्स में, तो क्या वो जो ए सेट होगा वो एक कंपैक्ट सेट होगा इन एक्स में। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने कोई भी एक स्पेस पूरी की पूरी कंपैक्ट है तो उसका हमने एक सबसेट कोई भी एक सबसेट लिया तो क्या वो सबसेट भी कंपैक्ट होगा इन एक्स में, ठीक है। सबसे पहली बात ये, और ए क्या हमारे पास एक उसका कंपैक्ट सबस्पेस होगी वो, ये भी हम चेक करेंगे कि अगर हम ए कोमा टाओ वाई एक उसकी सबस्पेस टोपोलॉजी लेते हैं क्या वो टोपोलॉजी भी हमारे पास एक वो क्या कंपैक्ट स्पेस बनेगी या नहीं बनेगी। इट मींस इस जो हमारे पास ये सेकंड वाली कंडीशन है ये क्या बन गई हमारे पास एक तरह से हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। तो इसमें हम ये चेक करेंगे क्या जो कंपैक्टनेस है वो हमारे पास एक हेरिडिटरी प्रॉपर्टी है या नहीं। हेरिडिटरी प्रॉपर्टी में जब जाना है तो हम सबस्पेस में देखेंगे कि कोई भी उसकी सबस्पेस टोपोलॉजी बनानी है हमें, ठीक है। अगर ये सबसेट ले रहे हैं तो ये हमारे पास उसकी हेरिडिटरी प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं होगी, ठीक है। जो इन एक्स वाली है दैट इज ए टाओ एक्स कंपैक्ट, तो वो हमारे पास वो उसकी हेरिडिटरी प्रॉपर्टी नहीं बनेगी। हेरिडिटरी प्रॉपर्टी क्या बनेगी जब हम उसकी ये सबस्पेस कंस्ट्रक्ट करेंगे और इसको स्पेस को एज अ सेपरेटली कंपैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस प्रूव करेंगे। तो हेरिडिटरी प्रॉपर्टी जो है हमारे पास वो ये होगी, कंपैक्ट सेट इन एक्स में ये होगी, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, हमने इनका ध्यान रखना है।